छक्के तू मारे सब ज्यादा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सुबह का आगाज़ हो चुका है और साथ ही हमारी आवारा गर्दी का भी आगाज़ हो चुका है और हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। अभी देखते हैं कि गाड़ी हमें कहाँ लेके जाती है। सुबह का टाइम है जी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हम पहुँच चुके रेस्टोरेंट में, उससे पूछा कि भाई खाने में रोटी है? उसने बोला जी भाई रोटी नहीं है, रोटी ख़त्म हो चुकी है, चावल हैं। तो उसको बोला कि यार सुबह सुबह चावल क्या खाएं। तो बस इसी कश्मकश में अजहर साहब ने बोला कि चलो कुछ फ्रूट ले लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह चावल खाने का इतना मन नहीं करता। ये प्यारे प्यारे फूल हैं इधर, लेकिन हमने किसको देने हैं? हमारा कोई ऐसा है ही नहीं है जिसको हम फूल दें। हमें तो जिसने भी देनी है बातों ही देनी है। खैर कोई बात नहीं, अजहर साहब ने फ्रूट लिया और उसके बाद हम निकल चुके शॉपिंग मॉल की तरफ। हमने अपने वाशरूम के लिए स्लीपर्स लेने थे और हमें स्लीपर मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हम भी स्लीपर को इस तरह ढूंढ रहे थे जैसे इमरान खान वाशरीफ को ढूंढ रहे। लेकिन हमने भी सोचा कि भाई आज तुम्हें ले के जाएंगे, तुम कहीं भी चुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ निकाल लेंगे। अजहर साहब CID की तरह पूरे शॉपिंग मॉल का जी चेकिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे हैं स्लीपर, और मैं उसके पीछे पीछे हूँ। मैं भी हल्का हल्का देख रहा था कि कहीं मिल जाए, लेकिन मिलने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी हमें मिलने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं हारी और सोचा कि स्लीपर को ढूंढ के जाएंगे। अजहर साहब फुल तिक्खी आंखों के साथ चेकिंग कर रहे हैं, तो अभी हमें मिल ही जाएंगे इस सेक्शन में। फाइनली मिल गए और अभी अजहर साहब उसके जो कलर चेक कर रहे हैं और उसको बोल रहे थे कि पिंक कलर में दो, इसने शायद नुमाइश में पहन के जाना है। खैर नहीं, वो अभी साइज़ चेक कर रहा है, तो मैं भी देखा कि मुझे ब्लू कलर के अच्छे लगे। मैंने उसका साइज़ चेक किया, जूते परफेक्ट थे और ये जूते जो है पहनने से ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। खैर नहीं, हमने ये जूते लिए और नीचे काउंटर पर गए, साथ में दो बेल्ट थे और उन सब का किया हमने बिल पे। और लड़की को मैं पैसे पकड़ा था, लेकिन वो पैसे पकड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल दिल में मैंने सोचा कि शायद ना ही ले, लेकिन फिर उसने पैसे पकड़ ही लिए। अभी हम जा रहे हैं जी अपने दोस्त की तरफ, उन्होंने आज हमें इनवाइट किया खाने के लिए। खाना फ्री का हो और हम छोड़ दें, ये ऐसा हो नहीं सकता। हमें क्यों ना पैदल जाना पड़े 10 किलोमीटर। सो हम पहुँच गए उनके घर और जाके देखा कि रनमरी दी शुरू थी, लोग सब मोबाइल में बिज़ी थे। उसके साथ ही हमें ठंडे पानी के साथ तवाज़ा की जामे श्री, वाह क्या बात है। और साथ ही देखते देखते केला सेब भी नाजुल हो गया ऊपर से, जो कि हमने वो भी खाया। और उस खाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि चलो जी अपनी ड्यूटी पे लग जाओ और पहुंच जाओ ग्राउंड में, क्योंकि आपको पता है कि हमारा मरना जीना क्रिकेट ही है, क्रिकेट लाजमी खेलनी है। और मैं समझा ये पता नहीं क्या कह रहा है, ये गेंद ढूंढ रहा था, गलत तो नहीं सोचना। और यहाँ भी उजैर साहब खेल रहे हैं और फाइनली उन्होंने मोबाइल लगाई शॉट और धीरे से उन्होंने पकड़ा कैच और हवा में भेंगी गेंद और साथ ही पुलिन की तरफ वापसी की तरफ आते हुए। उसके बाद ये हमारे दूसरे प्लेयर गए हैं और उन्होंने भी शॉट खेलने के लिए पूरी उम्मीद थी, लेकिन गेंद ऊपर से चली गई। उसके बाद जी मैं थोड़ा थोड़ा ठंडी हवा का नज़ारा ले रहा था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, क्योंकि क्रिकेट तो हमने खेलनी नहीं होती, बस अपना फोटोग्राफी या तस्वीरें वगैरह खींच के अपना यही काम है। खेलने के बाद सब दोस्तों को भूख लग चुकी थी और सब इकट्ठे होकर दोबारा एक दफ़ा गेड़ा दिया, क्योंकि जान जाती है जाए लेकिन खाना ना जाए, जान है तो जान है, खाना फर्स्ट है। यहाँ पे जी शुरू हो गया जी हमारा मैच का डिस्कशन, और उन्होंने कुछ मैच जीता था, उसकी जो शर्त थी उसका रोला था कि वो बोल रहा था मुझे इतनी आती है, वो बोल रहा था मुझे इतनी आती है। तो इनका जो ऐसे रोला पड़ गया था जैसे पाकिस्तान का इंडिया और कश्मीर का रोला है। मुझे तो ये था कि एक दूसरे का ये सर ना फाड़ दें। तो आप इनकी कन्वर्सेशन को इन्जॉय करते, मैं मिलता हूँ आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जाना नहीं कहीं आपने। पिछली बार जरा मैं हरिया कोई पता दे ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਕਾ ਉਹ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ ਲਿਆ ਦੋਰ ਪੇ ਦੋ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਆ ਉਸ ਜਵਲ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਉਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਲਗਣਾ ਬੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਯਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਈ ਟੁੱਟੇ ਆਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਲਓ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਆ ਲਓ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਰਿਆ
ਖੁੱਲਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਾ ਆਟੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈ ਮਾਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀਲ ਲੈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ रोला मुकिया के नहीं पैसों का लो दिल जी क्या बात है पांच रुपए अंकल कर लभदे नहीं पैसे दरवाजा बंद कर दे दरवाजा बंद कर दो शो दिल बड़ा खुश है जी पांच रुपए जीते ना दिल ने कोई नहीं दो लाख बकाया कुछ मेरे पांच पढ़ दे कि मैंने मेरे पांच याद मैं शर्त लगा हुआ नहीं आठ आठ दिन पैसा तो रौला पै गया जी हिसाब बड़ा सख्त हो रहा है अज शर्त लाई थी मुंडिया ने हिसाब गलत हो गया दिल कर गिन गिन के पैसे कटा देने अल्लाह खैर करे हिसाब हो जे कोई पांच छह हजार रिंगट कट्ठा आ गया तो की बनेगा इतने पजामा का हिसाब नहीं हो रहा ये थी आज की छोटी सी वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद